हेलो स्टूडेंट्स, अपना गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है लोकेंद्र राजावत और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा क्लास 8th का नव उदय बैच का आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो केवल चैप्टर वन हमारा होगा रैशनल नंबर्स, जिसका एक ओवरव्यू होगा, जिसके अंदर हम केवल ये देखने वाले हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इसके साथ ही हमारे को आने वाले सभी लेक्चर्स को किस तरीके से देखना चाहिए, किस तरीके से उसके नोट्स बनाने चाहिए, किस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व करना है, इसका भी एक पूरा आप लोगों को गाइड वीडियो यहाँ प्रोवाइड करने वाला, ये वाला वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि भाई इस चैप्टर का ओवरव्यू क्या है, मतलब इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चैप्टर का ओवरव्यू क्या है, चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर में जो हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा वो होगा इंट्रोडक्शन टू नंबर्स, यानी नंबर्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, किस किस टाइप के नंबर होते हैं, कौन कौन से नंबर होते हैं, उनको कैसे लिखा जाता है, उनके ऊपर कैसे ऑपरेशंस किए जाते हैं, ऑपरेशंस कैसे करने का मतलब है कि उनको कैसे ऐड किया जाता है, मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है। तो जो इंट्रोडक्शन टू नंबर्स है इसमें हम बहुत सारे टाइप के नंबर पढ़ने वाले हैं। तो जो बेसिक जो मेजर नंबर्स हैं वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। सबसे पहला नंबर हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं ये आने वाले लेक्चर्स में आप लोगों को एक एक चीज करके क्लियर होता रहेगा। नेचुरल नंबर्स में क्या होगा, नेचुरल नंबर्स में भी हम उनको भी चार कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और क्वीन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। उसके बाद में हम पढ़ेंगे होल नंबर्स क्या होते हैं, फिर हम पढ़ेंगे इंटीजर्स क्या होते हैं। ये सारे चैप्टर्स आप लोगों ने इनसे पहले वाली क्लास में पढ़े होंगे, 6th और 7th क्लास में। अब यहाँ मैं केवल इनका जल्दी से क्या करवाऊंगा, आप लोगों को एक तरीके से रिवीजन करवाऊंगा। ज़्यादा क्वेश्चंस हम लोग यहाँ नहीं करेंगे इसके ऊपर, जो मेजर क्वेश्चंस होंगे जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं केवल यहाँ समझाऊंगा, बाकी केवल इनका ये होते क्या है, इनके जो इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पर मैं आप लोगों को लिखवा दूंगा। ये 6th और 7th के अंदर आते हैं हमारे, लेकिन यहाँ 8th में क्या होगा वो यूज होते हैं बीच बीच में, इसलिए तो एक बार हम लोग इसको क्या कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। इंटीजर्स में भी हम लोग क्या करेंगे, जैसे ओड इंटीजर्स क्या होते हैं, इवन इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ने वाले। उसके बाद में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्या करेंगे, फ्रैक्शंस का देखेंगे। फ्रैक्शंस का जैसे इंट्रोडक्शन हो जाएगा, फ्रैक्शंस एक्चुअल में बहुत बड़ा टॉपिक है लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा ही पढ़ेंगे इसको, जो मेजर पार्ट है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वही हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में फ्रैक्शन ही अगर आप लोगों को समझ में आ गया ना तो ये समझ लो आप लोगों को रैशनल नंबर आसानी से समझ में आ जाएगा। तो उसके बाद में हमारा टॉपिक होने वाला है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स पढ़ने के बाद में, अच्छे से रैशनल नंबर को समझने के बाद में, उसके बहुत अच्छे क्वेश्चंस करने के बाद में हम क्या करेंगे, ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर पढ़ने वाले हैं। ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर मतलब रैशनल नंबर्स को ऐड कैसे किया जाता है, सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, डिवाइड कैसे किया जाता है। उसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, नंबर्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम लोग इन जितने भी नंबर्स हमने पढ़े उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमारे को मेजरली पढ़नी है, क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़नी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़नी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़नी है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़नी है, क्या होती है। अभी आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो आप लोगों को बहुत आसानी से चीज़ें समझ में आएगी, ये मैं आप लोगों को गारंटी लेता हूँ। उसके बाद में हम चार मेजर टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, जिसको रेसिप्रोकल भी बोला जाता है, ये क्या होता है, ये चीज़ हम देखने वाले हैं। उसके बाद में हम देखेंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, तो नंबर लाइन पे रैशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो चीज़ हम इस चैप्टर में आगे देखने वाले हैं। उसके बाद में क्या होगा, रैशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर, हमारे को क्या होगा दो रैशनल नंबर्स दे देगा तो उसके बीच में रैशनल नंबर्स फाइंड करनी है कि भाई उसके बीच में 10 रैशनल नंबर फाइंड करो, 5 रैशनल नंबर फाइंड करो, वो कैसे करते हैं वो हम यहाँ देखेंगे। यहाँ जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसको मीन मेथड हमारा इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं कि मीन की हेल्प से दो रैशनल नंबर्स के बीच के अंदर रैशनल नंबर कैसे फाइंड किया जाता है। इसके बाद में हमारा ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा, ये खत्म होने के बाद में हम लोग एनसीईआरटी और आरएस अग्रवाल के सॉल्यूशंस भी
इसी बैच के अंदर हम लोग एक अलग से लेक्चर में आप लोगों के लिए प्रोवाइड करने वाले हैं। इसके साथ ही जो हमारा ये मेजर ये जो नव उदय बैच है, इसका मेजर फोकस हमारा रहने वाला है नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 का को टारगेट करके हम लोगों ने ये बैच लॉन्च किया है। इस बैच के अंदर हम लोग क्या करेंगे, केवल आप लोगों के स्कूल लेवल की चीज़ों को ही हम कवर नहीं करेंगे, इसके साथ ही हम लोग नवोदय एंट्रेंस एग्जाम के आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी यहाँ पे सोल्व करवाएंगे। इसके साथ ही नवोदय के एग्जाम के पैटर्न के ऊपर आप लोगों के लिए क्वेश्चंस भी इन सभी लेक्चर्स के अंदर आप लोगों को करवाए जाएंगे, जिससे आप लोग नवोदय के एग्जाम को क्रैक कर सको। इसके साथ ही आप लोगों के लिए एक रिक्वेस्ट समझ सकते हो या एडवाइस समझ सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगर इन एडवाइस को या इस रिक्वेस्ट को फॉलो करोगे तो आप लोग इन लेक्चर्स का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हो। अदरवाइज क्या होगा, आप लोगों को भले ही आप लोग यहाँ से पढ़ लोगे लेकिन आप लोगों को ज़्यादातर चीज़ें समझ में नहीं आएगी। तो इसके लिए आप लोगों को तीन चीज़ें करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको जो भी लेक्चर में आप पढ़ रहे हो उनके खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाने। अगर आप लोग हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाओगे तो आप लोगों के लिखने की प्रैक्टिस नहीं होगी। लिखने की प्रैक्टिस नहीं होगी तो जब आप लोगों के पेपर के अंदर जब क्वेश्चंस आएंगे तो आप लोग लिख नहीं पाओगे प्रॉपर तरीके से। तो प्रॉपर तरीके से आप लोगों को अगर लिखना है तो आप लोग अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाइए, जिससे कि बहुत सारी चीज़ें आपको लॉन्ग टाइम तक के लिए वैसे ही याद हो जाएगी। इसके बाद में इन मैथमेटिक्स के लिए एक अलग से कॉपी बना लीजिए। अलग से कॉपी बनाने के बाद में केवल उसमें यहाँ से जो पढ़ते हो वही नोट करना है। ऐसे नहीं स्कूल का काम भी वहाँ नोट कर रहे हो या कहीं ऑफलाइन कोचिंग जाते हो उसका काम भी कहाँ कर रहे हो उसी में नोट करना है, नोट कर रहे हो। अदर सब्जेक्ट भी क्या कर रहे हो, उसमें पता चल रहा है कि एक पेज भरा हुआ है मैथमेटिक्स का, बीच में साइंस भी उसी में आ रही है, SST भी आ रही है और इंग्लिश के अंदर कोई एप्लीकेशन लिखवाई या कोई लेटर है वो भी बीच में आ रहा है, तो सब कुछ मिक्स हो जाएगा। तो एक साफ सुथरी अलग से कॉपी बना लीजिए, ठीक है। इसके बाद में यहाँ आप लोगों को क्या होगा, हर एक लेक्चर के बाद में आप लोगों को कुछ होमवर्क क्वेश्चंस और DPP प्रोवाइड करवाई जाएगी, जो कि या तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी या डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आप लोगों को क्या होगा, आपको होमवर्क सीट प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो उस DPP के होमवर्क को सोल्व कीजिए, माथाफोड़ी कीजिए उसके साथ में, माथाफोड़ी का मतलब है उसके साथ वो कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, उल्टे सीधे कॉन्सेप्ट लगाइए, जो भी हमने सीखे उनको अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। अगर आप लोग कॉन्सेप्ट को लगाना सीख जाओगे तो आप लोगों के आंसर अपने आप आना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप लोगों ने DPPs को सोल्व किया तो इससे क्या होगा, आपके मैक्सिमम डाउट्स तो वहीं क्लियर हो जाएंगे, फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो उसको सोल्व करने के लिए हम यहाँ आप लोगों के लिए आगे के लेक्चर्स में आपके डाउट्स लेते रहेंगे, आपके डाउट्स को सोल्व करते रहेंगे। जब आप लोग होम DPPs को सोल्व करोगे ना तो इनमें क्या होगा, मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोगों को हम लोग कोशिश करेंगे कि जो एग्जाम में आते हैं उस पैटर्न पे आप लोगों के लिए क्वेश्चन आप लोगों को DPPs में दिए जाए। एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है, नवोदय के PYQ जिसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे, तो जिससे क्या होगा, आप लोग यहाँ पढ़ने के साथ साथ आपके एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन होती रहेगी। जब एग्जाम की प्रिपरेशन आप प्रॉपर अच्छे तरीके से आप लोग कर लोगे तो आपको बार बार दोबारा चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक तो आपने प्रॉपर तरीके से एक कॉपी में आपके नोट्स बना लिए हैं तो हमारे को बार बार कॉपी ढूंढने की जरूरत नहीं है, अदर चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल एक कॉपी ही, एक नोट्स ही हमारे लिए सफिशियंट हो जाएगा। DPPs के लिए आप चाहो तो एक रफ कॉपी बना सकते हो जो अलग से होगी, जिसमें केवल DPPs का नंबर डाल दो कि कौन से चैप्टर की कौन सी DPP है, उसको सोल्व कीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उस पर मार्किंग कर लीजिए कि भाई ये क्वेश्चन हमारे को नहीं आया था। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, जैसे आज के लेक्चर में आपको होमवर्क मिला है तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि स्टार्टिंग में ही क्या करें, लास्ट लेक्चर के जो क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस कर लें और उसके बाद में हम आगे का लेक्चर स्टार्ट करें, या अगर ज़्यादा क्वेश्चन है तो DPPs के लिए हम एक अलग से सीरीज स्टार्ट कर देंगे जिसमें केवल DPPs आपको सोल्व करवाई जाएगी। तो इसके साथ ही ये हमारा आज का मतलब चैप्टर 1 का जो ओवरव्यू है वो ख़त्म होता है। एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसके साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए और हमारे साथ लंबे टाइम तक के लिए जुड़े रहिए। आप लोगों की मैथमेटिक्स इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, आपके सभी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।